अच्छा अब देखते हैं मुझे प्रूफ क्या करना है। ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी स्क्वायर बाय टू, ये प्रूफ करना है। तो मुझे दिख रहा है पहली बात तो पाइथागोरस पढ़ा अभी अभी हमने, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं। कौन से ट्रायंगल्स को? ट्रायंगल पहले तो ए एम सी देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए एम सी में ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना, ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए एम डी ए एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, हाँ ठीक, ए डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा सो ए सी, अच्छा मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? ए सी स्क्वायर चाहिए इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी एम। चलो तो यही करते हैं। ए सी को मैं लिख सक ए सी स्क्वायर इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, एंड यहाँ से मैं ए एम की वैल्यू लिख देता हूँ, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, है ना, ठीक है। सो यहाँ इस इक्वेशन में मैं, अब कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन में मैं वन इक्वेशन को डालता हूँ इसको, एंड ए एम की वैल्यू एक्सक्यूज मी डालता सर, हूँ, आपने सर ए एम क्यों लिया वहां से? क्या, क्योंकि मुझे ए एम इसमें दिख रहा है ना, मुझे देख ए सी और ए डी का रिलेशनशिप चाहिए, क्वेश्चन में मोटिवेट कर रहा है मुझे, तो मैंने ए सी एक यस साइड रखा है, ए एम को अब मैं ए डी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा फिर फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की जगह क्या लिखूँ, ये पूरा ए डी स्क्वायर सर समझ नहीं आया। माइनस, रुक जा रुक जा, अभी समझा, प्लस एम सी स्क्वायर। अच्छा मैंने सबसे पहले क्या करा, ए सी, ये दो रिलेशनशिप तो समझ आई, पाइथागोरस लगाया दो बार, सिंपल है, यस नहीं है, यस ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे दिख रहा है कि मुझे आंसर में ए सी और ए डी चाहिए, है ना। अब मुझे आंसर में अगर ए सी और ए डी चाहिए तो ए सी इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर है, ए एम मुझे पता है ए डी माइनस एम डी स्क्वायर है, ठीक है। अगर मुझे ए सी और ए डी का रिलेशनशिप चाहिए तो मैं ए एम को रिप्लेस कर दूंगा ए डी माइनस एम डी से, तो ए डी और ए सी आ गए ना यहाँ पे, आगे तो और चीजें जो करनी है करेंगे अभी, ठीक ओके ओके सर है। अच्छा ठीक है ओके। हाँ अब देखो देखो देखो, चलो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मुझे पता है कि एम सी क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस एम सी इज बी सी, ठीक है, का हाफ, ठीक है, बी सी का हाफ है एम, क्या है एम, ओ सॉरी एम सी नहीं एम डी है, ठीक है, एम डी बी सी का हाफ। एम डी क्या है, ए डी मीडियन है, मतलब ये पूरी साइड और ये पूरी साइड इक्वल है ना, मीडियन का यही मतलब होता है। तो मैं एम डी की जगह, ठीक है, माइनस एम डी की जगह मैं लिख सकता हूँ ना कि ये क्या है, बी सी बाय टू होल स्क्वायर, है ना, एम सी का स्क्वायर क्या हुआ, एम डी कैसे हुआ, एम सी का स्क्वायर, एम सी का स्क्वायर एम डी कैसे हो यार, देख, अरे ये देख, ये है, अगर ये मीडियन है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये बी सी है, ठीक है, ये एम, हाँ ये डी है, सो मैं क्या कह रहा हूँ कि बी सी का हाफ, ठीक है, एम डी इज बेसिकली बी सी का हाफ, ठीक है, माइनस सी डी, है ना, अभी लिख रहा है, कंप्लीट कर रहा है उसे, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ एग्जैक्टली स्टेटमेंट लिख सर आपको देते ये हैं, पैसे कैसे पता कि वो एम डी मीडियन है, एम डी मतलब मीडियन नहीं है, एम डी नहीं है, एम एम डी बेसिकली, अब वही कह रहा हूँ, ए डी स्टेटमेंट थोड़ी नहीं मीडियम? लिखी थी, ए बेसिकली ये ए डी मीडियन है, सो बी सी, अगर ए डी मीडियन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, है ना, एंड एम सी इज इक्वल टू एम डी प्लस डी सी, ठीक है। अच्छा चलो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, ये दोनों तक समझो, उसके बाद लिखते हैं, हाँ ठीक है। सर ए सी इक्वल टू एम डी प्लस डी सी कैसे हो? क्या बोल रहे हो, ए सी इक्वल टू, सर ए सी ओ इक्वल टू सॉरी ए एम सी, मैंने एम सी लिखना था, हाँ
सर वो एमसी होगा ना. हाँ वो एमसी, एमसी इज इक्वल टू ये पूरी लाइन इज इक्वल टू इन दोनों का सम. अच्छा ये तो स्टेटमेंट लिखी है ठीक है. अच्छा एमसी क्या है यहाँ पे, एमसी इज ठीक है, यहाँ से एमसी को रिप्लेस करते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस एमसी इज हमने क्या लिखा एम डी प्लस क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो. हाँ ठीक है ठीक, इक्वल टू एम डी प्लस एमसी की हमने क्या वाली रखी एम डी प्लस डी सी ठीक है होल स्क्वायर है ना, एम डी प्लस डी सी होल स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको. अच्छा अब इसका होल स्क्वायर करते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस टू एम डी इंटू डी सी है ना, है ना एम डी इंटू डी सी ये होल स्क्वायर करा ना, ये ए बी मान लो, ऐसे एम डी डी सी को ए बी मान लो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी है ना प्लस टू ए बी, तो ये क्या है टू ए बी माइनस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एम डी स्क्वायर कट गए है ना. तो फाइनल आंसर क्या आया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ठीक है प्लस डी सी इज डी सी इज ए बी डी डी सी है तो बी सी का हाफ इज बी डी सी है ना, ये मीडियन था तो इस पूरे का हाफ इतना पार्ट होगा. ये ट्रायंगल देखो इसमें ये अगर मीडियन yes. है ये दोनों इक्वल है ठीक है, ये नीचे क्या है बी डी सी, अगर डी सी इज इक्वल टू बी डी है तो डी सी कैन बी रिटर्न एट हाफ ऑफ बी सी है ना, कहाँ समझ आया, वही मैंने बी सी बाई टू लिख दिया यहाँ पे डी सी की जगह प्लस टू इंटू डी एम इंटू बेसिकली डी सी ठीक है, डी सी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज DC ठीक है DC. अब यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल गया ये देखो, AD मिल गया, BC स्क्वायर बाय टू मिल गया, DM क्या हाँ रुकना DM और CB चाहिए मुझे, CB क्या है, CB क्या है ये पूरा है. अच्छा DC is, अब इसी तरीके से DC हाफ BC है ना, DC हाफ BC है तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ हाफ BC, टू से टू कटे DM इंटू BC DM into BC आ गया. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था, नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट से आप एग्जैक्टली समझोगे दोबारा से कि क्या करना है. सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बस डिफरेंस क्या आ गया कि ये है माइनस कर चाहिए ठीक है. अब माइनस चाहिए उसके लिए मुझे ए बी स्क्वायर, ये देखो ए बी स्क्वायर है ठीक है. अच्छा चलो बनाते हैं, ये नोट कर लो पहले जल्दी से, ये वाला समझ आ गया ना सबको, बहुत ही सिंपल से स्टेप है, दो ट्रायंगल्स लिखे उससे मैंने एसी की वैल्यू रिप्लेस करी, उसके बाद मैंने एमसी को ओपन अप कर दिया. ओपन अप क्यों करा, जो जो चीजें मुझे चाहिए उस चीज को हम टिकाए रखेंगे, जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उसको रिप्लेस करते जाएंगे, जो चीजें नहीं चाहिए उसे हम रिप्लेस करते ठीक है. दिस इज हाउ वी गो अबाउट अ क्वेश्चन. लॉजिक वाइज नहीं समझ आता तो याद करने के लिए सिंपली क्या याद करना है कि पहले डायग्राम सुंदर करते हैं पहले थोड़ा, पहले हमने क्या करा यहाँ पे ए बी सी दिस इज एम एंड दिस इज डी दिस इज 90 डिग्री. हमने डायग्राम के लिए सिंपली क्या करा कि पहले ए सी स्क्वायर निकाला इन दोनों साइड के स्क्वायर से, फिर ए डी स्क्वायर निकाला इन दोनों साइड के स्क्वायर से, फिर इन दोनों रिलेशनशिप को इक्वेट करने से हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन है ठीक है, जहाँ पे हमने कहा किसकी वैल्यू रिप्लेस करी ए एम की. उसके बाद MD को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया ठीक है, MD को वैसे ही छोड़ दिया, MC को मैंने MD प्लस BC कर दिया ठीक है, एंड हमें दिख रहा है कि MC और ये वाला MC कट जाएंगे है ना, तो इसीलिए हमने क्या करा इवेंचुअली इसे एक्सपैंड करते करते हम आगे सॉल्व करते गए, उसके बाद MD और DC बचे, DC को हमने BC बाय 2 लिख दिया, हमारा रिलेशनशिप आ गया ठीक है. क्या हाँ हाँ पर लिखना है बेटा, फिर थक गए लिखते लिखते, व्रत तो नहीं रखा कहीं आप, नहीं ना तो मैं लिख रहा हूँ व्रत में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बोलते लिख नहीं पा रहे सर आपका व्रत है. हाँ करवा चौथ का व्रत रखा है आज मैंने, करो अब
नो वंडर तुझे पेपर नहीं कंप्लीट हुआ तेरा, इतना स्लो होगा सर। अभी 3 से 5 तक पेपर था बच्चों। हाँ 3 से 5 तक भी पेपर था, लिखा तो हुआ था ग्रुप पे जिसका पेपर था। तूने लिख लिया ध्यान से सब? यस सर। सर जो बीसी और डीएम है वो कहाँ गया? क्या डीएम? ये तो रहा, यही तो चाहिए था मुझे, बीसी डीएम ही तो चाहिए। फाइनल फाइनल उसमें फाइनल, ये देख फाइनल स्टेटमेंट ये है, एसी इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस बीसी बाय 2 होल स्क्वायर प्लस डीएम इनटू बीसी, ये है फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करोगे खुद? जल्दी से नेक्स्ट पार्ट खुद करेंगे, 5 more minutes, शुरू हो जाओ। करो अनेक ज्यादा दिन का नहीं है ट्यूशन में। विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट द क्लास। जब तक है तब तक जीते जिंदगी, सही है। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, दोबारा से कहानी देखते हैं, फ्रेश क्वेश्चन की तरह करते हैं जैसे हमने पहले कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे ही करते हैं। एमडी, अच्छा प्रूफ क्या करना है? मोटिवेशन देखेंगे हमारी, हमारी मोटिवेशन है, हमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी स्क्वायर बी सी बाय 2 होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन से मुझे पता है तो थोड़ा सा रिवर्स खेलोगे? चलो थोड़ा रिवर्स खेलते हैं। रिवर्स खेलने का मतलब कि लास्ट क्वेश्चन में मुझे पता है कि मैंने ऐसे प्रूफ करा था, तो इस क्वेश्चन में मैं उल्टा ही कर रहा हूँ, बस इसकी जगह मैं इसको बी डी लिख देता हूँ। ठीक है, बी सी की बाय 2 की जगह बी डी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे, है ना, बी डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड बी सी इंटू डी एम है, ठीक है, बी सी इंटू डी एम है, तो बी सी को मैं दोबारा से 2 इंटू बी सी इंटू डी एम का मतलब बी सी बाय 2 इंटू डी एम लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। यार 2 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, 2 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो सेम ही तो रहेगा, 1 ही तो है, तो कर सकते हैं। सो बी सी बाई 2 क्या है? बी डी। करना ही क्यों है? अभी दिखा रहा हूँ यार, मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, देख। हाँ बोलो। अरे आना नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ये सोल्यूशन नहीं है, प्लीज लिखने मत लगा करो। पहली बात BC by 2 क्या है? BD, तो minus 2 BD DM, ठीक है, plus BD square, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है ये steps क्यों करे मैंने, ये steps करने का simple reason है, मुझे दिख रहा है कि मुझे कौन कौन से चाहिए होंगे basically answer solve करने के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं ये वाला triangle, ठीक है, ये वाला triangle लेते हैं। इस triangle में क्या है? AB square is equals to क्या? हाँ वही बता रहा हूँ ना, अभी पहले करने होते हैं। हाँ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, है ना। सिमिलरली ये कौन सा ट्रायंगल था? इन ट्रायंगल ए बी एम। अब इन ट्रायंगल सेम वाई ए एम डी, ए एम डी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ही मुझे ए डी चाहिए एंड ए बी चाहिए, ए डी ए बी चाहिए, ए एम को रिप्लेस कर दे, एम को रिप्लेस कर देते हैं। सो ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एम स्क्वायर, ए एम यहाँ से क्या आएगा, ए एम स्क्वायर, रुक जा, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की जगह मैं क्या लिखूं, ये वाली पूरी लाइन, है ना। तो एम की जगह मैंने लिखा ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एम स्क्वायर। ओके ठीक है, अच्छा ये एम डी बी एम, ठीक है। अब मैंने निकाला क्या, ये देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, एम डी और बेसिकली बी डी और एम डी चाहिए था,
ठीक है, बीएम है, ठीक है, डीएम को मैं लिख सकता हूं, अब बीडी चाहिए ना मुझे। देखो मैंने ये क्यों करी, ये स्टेप ही करने का रीजन यही था कि मतलब ये दिखाना भी नहीं आपको, मैं बस मोटिवेशन दिखा रहा हूँ कि मैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे बीएम, बीएम तो नीचे आंसर है, मुझे आंसर में क्या चाहिए, बीडी, और मुझे चाहिए क्या बेसिकली एमडी हटाना है मुझे। तो मैं बीएम को लिख सकता हूँ एडी स्क्वायर माइनस एमडी स्क्वायर प्लस बीएम को मैं लिख सकता हूँ बीडी माइनस बीएम, है ना, ठीक है, ओ सॉरी बीडी माइनस एमडी, बीडी माइनस एमडी करूंगा तो ये आ जाएगी। अगर ये पूरा ठीक है एक लाइन है पूरी मेरी जो क्या है बी डी और एम है, अगर मुझे पता है मुझे बी एम निकालना है तो मैं बी डी में से क्या माइनस करूंगा एम डी माइनस करूंगा तो मेरे पास बी एम आ जाएगा। सो बी एम को मैं क्या लिखूंगा बी डी, रुक जा क्वेश्चन कराने दे पहले फिर बात करते, माइनस एम डी, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, ये करा मैंने। अच्छा अब इस इक्वल टू क्या आया, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा एम डी स्क्वायर कट गए, सो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर क्या है बी सी बाय टू, बी डी क्या है बी सी बाय टू, ये पूरा मीडियन है, तो बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी बाय टू होल स्क्वायर माइनस टू, बी डी को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ बी सी बाय टू इन टू एम डी, सेकेंड पार्ट चेक करो क्या था, हो गया, ये नहीं भी करो ये करना ही नहीं है वैसे, तो स्टेप ये वाला स्टेप नहीं करना है, बट मैंने ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से करा क्योंकि इट्स रियली हार्ड फॉर मी एज अ टीचर टू डिस्क्राइब कि मैंने यहाँ पे BM को क्यों एक्सपैंड करा और MD को क्यों एक्सपैंड नहीं करा। सो आई न्यू फ्रॉम द सॉल्यूशन कि क्या चाहिए मुझे एंड वहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा, ठीक है, ओके चलो लिखो बोल। BC माइनस BC माइनस MC और मुझे आंसर में मिलेगा क्या ये फिर क्या बोलते हैं, तभी तो उससे कह रहा कि मुझे आंसर में क्या चाहिए वो देखना होता है मुझे। एडीसी लेना ही नहीं था ना, इस साइड वाला ट्रायंगल कंसीडर करना था क्योंकि इस साइड वाली बात हुई। सर मैंने भी ना जो आपने किया था मैंने सेम किया था, बस मैंने वो एमडी को एक्सपेंड कर एक्सपेंड नहीं करा, कोई नहीं स्टार्टिंग मोटिवेशन तो सही थी। नेक्स्ट पार्ट करो, नोट करो जल्दी से, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एक बार देख लिया इस क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन अलग तरीके से नहीं आएगा, तो याद कर लेना है कैसे आएगा एंड कैसे करना। तो जो थर्ड पार्ट ही आएगा ट्रायंगल्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, अगर पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे तो वो वैसे ही आएंगे, उन्हें नहीं घुमाया जाता, सीबीएसई खुद आलसी है वो नहीं घुमाना चाहती, ऐसे ही पेपर में देगी वो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कराए उसको दोबारा अगर घर पे जाके करोगे ना बहुत बेनिफिट है, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, फिर दोबारा से रिपीट करोगे, फिर दोबारा घर जाके नहीं करोगे, फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी, कुछ फायदा नहीं होगा उसका, एक्स्ट्रा क्लास में टाइम वेस्ट होगा आपका। विद्यांश बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो थर्ड पार्ट है एक बार आप क्वेश्चन फिर से दिखा सकते हो? हाँ एनसीईआरटी नहीं है तेरे पास, बच्चे नोट कर रहे हैं अभी, एक मिनट रुक जा। ओके सर ओके ओके, हाँ नहीं कोई नहीं। अरे जब ऑप्शनल एक्सरसाइजेस होते हैं वो सारे एक्सरसाइजेस का मतलब निचोड़ होती है ना, मतलब उसमें हाँ, सब कुछ जैसे एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वाली एक्सरसाइज होती है, जो ये ऑप्शनल हाँ, होती है वो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिकली मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, दिस बेटर बी नेम्ड एज मिसलेनियस, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूं इसका नाम मिसलेनियस रख देना चाहिए ना, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस मतलब सारे सारे क्वेश्चन मिला सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के। सर वैसे मैंने नोट कर रही है हाँ। सर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं वो आसान होंगे, पर जो डीसीसी पोर्टल पे होंगे वो मतलब ऐसे होंगे जो कभी करे भी नहीं होंगे। डीसीसी पोर्टल पे मजेदार क्वेश्चन, रियल नंबर्स क्या डीसीसी वो पोर्टल पे टेस्ट लिया ना, रियल नंबर्स यार प्लीज पोर्टल से मत करो, आई वुड रिकमेंड, क्योंकि आपका ना कोर्स बहुत हट गया है रियल नंबर्स का, तो फिर पोर्टल से करोगे ना तो उसमें बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो कोर्स में नहीं है। सर वो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन
और मतलब मैं आपको फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप। चलो फोटो भेज देना, बता दूंगा कोर्स में है। सर उसमें ये दे रखा था एक क्वेश्चन, HCF is this, और फिर सर उसमें दिया था 165 m प्लस दूसरा नंबर और n दे रखा है साथ। पता है मुझे पता है, वो एक बार बता दूंगा कॉन्सेप्ट आपका, वो भी पेपर में नहीं आता वैसे तो, लेकिन एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। कर लिया सबने सर? सर जो चैप्टर है सर वो कार्बन एंड कंपाउंड, हाँ सर उसमें बहुत कुछ डिलीटेड है, बट वो 11th की जो साइंस केमिस्ट्री है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ाओगे जो डिलीटेड पार्ट है, जैसे वो जो है एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा। नॉमेनक्लेचर है और भी बहुत कुछ है, एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा। थर्ड पार्ट करो जल्दी से। उसमें पाइथागोरस कैसे लगेगी? ईडीसी में पाइथागोरस नहीं लगेगा। और सर वो भी तो दे रखा है क्योंकि ए सी स्क्वायर का मैं निकाला है, ए सी स्क्वायर का भी साइड है, सॉल्व में भी ट्राई करो, कहानी नहीं ट्राई करो। आंसर है दिमाग लगा 6.6 फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, जल्दी ट्राई करो। ये एक क्वेश्चन करने में हमें अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स लगे, तीन पार्ट्स, हाँ तीन क्वेश्चन। आज ही मोटिवेटेड है, सही है, यश भी मोटिवेटेड है बट सेम मोटिवेशन नहीं है। कबीर ऑफलाइन नहीं आया यार तू? सर मैं घर जाते जाते लेट हो गया था। अच्छा हाँ, सर वो बोलो। 3/5 वाला टेस्ट था वो, जिनके नाम लिखे थे उनके लिए ही था ना वो? उनके लिए कंपलसरी था और बच्चे दे सकते थे ऑप्शनल था। अच्छा मुझे लगा कि उनके लिए। हाँ वर्धन बाय द वे आप एक बार अपने पेरेंट्स जब भी आपके फ्री हो उनसे कहना मुझे एक बार कॉल कर। आप करवा दूंगा सर, वैसे मैंने कल टेस्ट नहीं दिया था तो मैंने मैसेज कर दिया। हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को एक बार बात करवा देना, मुझे बात करनी थी थोड़ी सी। ओके सर अभी करवाऊं, पापा पास में है बेटा, अभी क्लास के बीच में है ना, क्लास के बीच में फिर सब पढ़ रहे हैं आप, ऑब्वियसली मतलब क्लास के बाद ही कराओ। क्या बोल रहे हो तन्मय? एएमसी तो ले लिया, फिर क्या करना है बताऊंगा ना, ट्राई तो करो पहले खुद, दो पार्ट तो करा दिए, अब तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। On a serious note, this is for everyone. Next time your phone rings in class, your phone stays here for the whole day. वो पिनोकियो अंदर गेम खेल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, साइलेंट करके रखा है। I think I should take anxiety pills or something. तेरी वजह से कुछ नहीं। anxiety मतलब पता है? record हो रहा है ना? definition नहीं करा रहा हूँ anxiety की, record हो रहा है। चलो मैं कराता हूँ third part में। हो गया।
कोई नहीं, लास्ट वाले का सही था तेरा? नहीं, चल इसके देखते हैं, आई होप सही है। क्या कह रही है प्राची? क्या हुआ? यार सब गायब हो गए, ये क्या बात है? एक सेकंड रुकना। नाम क्या था? MD BC A। अच्छा प्रूफ क्या करना है? AB² + AC² = 2 AD² + ½ BC² वो क्वेश्चन ही रट गया, क्या बात। चलो देखते, AB² चाहिए मुझे, तो ए वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री तो यही है ना, ए कौन सा 90 डिग्री था? AM वाला 90 डिग्री था ना? हाँ ये 90 डिग्री है, तो AMC ट्रायंगल AMB में क्या हो रहा है? ट्रायंगल AMB में AB² = AM² + MB² अच्छा ट्रायंगल AMC में क्या हो रहा है? AC² = AM² + MC² एंड देन ट्रायंगल AMD में क्या हो रहा है? AD² = AM² + MD² अच्छा चाहिए क्या मुझे? AB चाहिए, और AD चाहिए, ठीक है, और एक BC चाहिए। BC का मतलब क्या है? या तो मुझे BD चाहिए या फिर मुझे DC चाहिए, ठीक है, कोई भी दोनों में से एक चीज चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा बहुत ही सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन का पार्ट यूज करेंगे। मैं तीनों अलग अलग क्यों करा रहा हूँ कि अगर तीनों आइसोलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे, वरना आप पिछले वाले के पार्ट यूज करके करोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। मैं नहीं, बट जरूरी तो ऐसे भी जरूरी क्या है, होगा ही नहीं ऐसा कि तीन पार्ट आएंगे क्वेश्चन के, ठीक है, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे करा रहा हूँ। चार नंबर का क्वेश्चन है, सारे चार नंबर के क्वेश्चन। हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ऐसी पैटर्न नहीं है कोई। चलो AB² = AM² + MB², ठीक है, AC² AM² + MC² और AD। अच्छा इन तीनों का रिलेशनशिप चाहिए मुझे, ठीक है, तो इन तीनों को ही इक्वेट करने की कोशिश करते हैं आपस में, ठीक है। अच्छा AB ठीक है स्क्वायर, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, ऐड कर देते हैं 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो AB² + AC² ठीक है। क्या बोला आपने? मैंने भी AD करा। अच्छा आपने ही करा था, = 2 AM² + MB² + MC² है ना, ठीक है। अच्छा अब रुक जा, अब मुझे क्या करना है? AM को रिप्लेस करना है हर बार की तरह, तो AM क्या है? AM² = AD² - MD² है ना, तो यहाँ से AM को रिप्लेस करते हैं, तो = 2 AD² - MD² ठीक है, रिप्लेस कर दिया, + MB² + MC² ठीक है। अच्छा अब 2 AD² - 2 MD² - MB² + MC² अच्छा मुझे चाहिए क्या? DC चाहिए, ठीक है, DC चाहिए, एंड मुझे यहाँ पे क्या मिला है? AD मिला है, ठीक है, AD तो आपने MB को भूल जाते हैं, MD लिख दिया, MD को क्या लिख दिया? MB को MD, तो बेसिकली इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये तो मेरा आंसर आ चुका है, 2 AD² तो आ चुका है। अब बेसिकली मुझे इन तीनों को क्या बनाना है? BC² बनाना है, ½ BC² बनाना है ना, सो तीनों को BC फॉर्म में ले आते हैं। तीनों को BC फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? MD इज व्हाट? MD इज MC, ठीक है, MC माइनस क्या है? MD इज बेसिकली MC माइनस DC होल स्क्वायर, ठीक है,
एम बी क्या है, एम बी तो डीसी है, इक्वली एक ही बात है, ठीक है, एम डी डीसी एक ही बात है, एम बी जितना है उतना ही एम नहीं सॉरी एम सी को एम बी को एम बी रहने देते, एम बी को एम बी रहने देते, ठीक है, एम बी को एम बी रहने दिया, एंड बचा मेरा एम सी, एम सी क्या है, एम सी इज एम डी प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी इज एम डी प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है, अब इनको खोल देते हैं, चलो, सो दिस इज एम सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस टू एम सी इंटू डी सी, ठीक है, प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस टू इंटू एम डी इंटू डी सी, है ना, क्लियर है यहाँ तक, दोनों को मैंने स्क्वायर्स खोल दिया बस, अच्छा एम डी और अच्छा ये देखो ये क्या है, एम बी और एम सी, ठीक है, एम बी सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एम सी, ठीक है, एंड बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एम बी डी प्लस डी सी, ठीक है, मतलब बी सी दो दो तरीकों से इक्वल हो रहा है, या तो मीडियंस का सम, ठीक है, या फिर ऑल्टीट्यूड्स का सम, अच्छा ये तो सीधा है बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस डी सी, ये वाले में तो कोई डाउट नहीं है, ये वाला देख लो, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बनेगा, एम बी इंटू एम सी, अच्छा डी सी है एंड डी सी को मेरे को एम सी, हाँ तक ठीक है ठीक है ठीक है, टू एम डी टू डी सी, ठीक है, अच्छा यहां से मैं माइनस टू डी सी कॉमन ले लूं, ठीक है, तो एम सी स्क्वायर प्लस डी सी, डी सी को तो टू डी सी स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, टू डी सी स्क्वायर लिख दिया, एम बी और एम डी स्क्वायर अलग है मेरे पास, ठीक है, एम सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ये तीनों एड में है, एंड टू डी सी स्क्वायर, अब माइनस टू अगर डी सी कॉमन ले लूँ तो मैं अंदर क्या बचेगा, एम सी माइनस एम डी, है ना, अच्छा एम ये देखो एम सी माइनस एम डी क्या है, एम सी माइनस एम डी इज डी सी, है ना, तो यहाँ पे एम सी माइनस एम डी इज टू डी सी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस टू डी सी स्क्वायर, ओके ये दोनों कट गए, तो मेरे पे बचा क्या, एम सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, क्लियर है यहां तक सबको, है ना, अच्छा अब ये दोनों का स्क्वायर क्या है, इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करूं ये बनेगा एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस टू एम बी इंटू एम सी, ओके एम बी इंटू एम सी, एक सेकेंड रुको यार, चलो एक सेकंड रुको, एक सेकंड ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है, फिगर आउट करते हैं इसको, नोट तो नहीं कर रहा ना कोई, आई होप अभी तक तो क्लियर है, नहीं कर रहा, ठीक, अच्छा रुको चलो इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है सब, एम डी एम सी ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ भी ठीक है, हम भी ठीक है, हमें चाहिए क्या बी सी, हर चीज को डीसी की टर्म में कर देते हैं, रिप्लेस करके डीसी, यार ब्रश चल, एक सेकंड रुको ब्रश सेलेक्ट करना, ओके एक तो डायग्राम बहुत ऊपर चला गया, एक सेकंड, ओके शेयर नहीं हो रही ना अभी, एक सेकंड, हाँ जूम शेयर, अच्छा हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स है एंड देन हमें ये बनाना है ए एम प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है, इससे डीसी बनाने की कोशिश करते हैं,
एम सी जगह डीसी बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, टू ए एम लंबा जाएगा पर भाई जरूरत नहीं है क्या? हाँ मैंने बोला ही था एक लंबा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है ना फिर, तीन क्वेश्चन हाँ मतलब समझना प्रैक्टिस करना तीनों चीजें। अच्छा चलो ठीक है, ए एम स्क्वायर है यहाँ पे ठीक है, एंड एम बी है, एंड क्या है दूसरी क्या चीज है एम सी है ठीक है, एम सी और एम बी है ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम बी प्लस एम सी होल स्क्वायर माइनस टू एम बी, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक सेकंड रुकेंगे सर, 2MB into MC, so MB plus MC BC बन गया ठीक है, BC square minus 2MB into MC, so A square plus BC square, अच्छा and MB और MC, okay, MB can be written as BC minus MB ठीक है, ओह नो सॉरी बीडी माइनस, हाँ ठीक है एक ही बार बोलो सर, ये सर इसमें सर जो ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हाँ तो वो नहीं लिख सकते, किसको नहीं लिख सकते, ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर को, तो इसको वो करते हैं ना हाँ एम, बोलो यही तो हुआ बी सी स्क्वायर माइनस टू एम बी इंटू एम सी, ये भी तो बचेगा ना, वो देख पहले नंबर सिर्फ एक्स वाई होते तो अलग बात है, ये क्या है एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थोड़ी होता है, माइनस टू एक्स वाई भी तो आएगा, तो ठीक है ये करके देखते हैं फिर क्या होगा। सर मैं एक मिनट में आ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं अभी ट्राई करते हैं, एक सेकंड रुको लेट मी रेफर, लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है ना, ओके एक सेकंड क्या, अरे खुद बना रखा है आ गया, हाँ करा तो इन्होंने भी ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टू ए एम स्क्वायर बी डी माइनस डी एम, यार एग्जैक्टली यही करा है हमने लास्ट स्टेप में, क्या मिस करा, यहां तक तो हम भी पहुंच गए थे ना, एक सेकेंड लास्ट चीज यहां पे हम पहुंच गए थे 2am स्क्वायर प्लस 2md स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर प्लस 2md ब्रैकेट में DC माइनस BD ठीक है, यहाँ तक तो हम भी पहुंच गए थे एंड में, तो एक MD तो बना था, ओह माय गॉड। अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन में बेसिकली इन्होंने क्या करा है, मजेदार चीज है देखो, इसको इन्होंने लिखा ठीक है, इट इज अब इसके बाद ना इन्होंने एलजेब्रिकली करा है ठीक है, पूरा एलजेब्रिक है ठीक है, इट्स नॉट बेसिकली कि ये ट्रायंगल्स का पार्ट है, ट्रायंगल्स के लिए मुश्किल है, इन्होंने बेसिकली एलजेब्रिक करा है, लंबा खींचा है कि कैसे हम इसको अलग अलग चीज ले सकते हैं, मैं जब नेक्स्ट टाइम करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी तो टाइम है नहीं, मैं अभी ए बी के टर्म में लिख के दिखा देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो एक्स वाई जेड लेंगे साइड्स को, तो थोड़ा सा सिंपल होगा क्योंकि एलजेब्रिक हमें एक्स वाई जेड में करना अच्छे से आता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें बेसिकली इन्होंने किसको एक्सटेंड करा है, इसने 2am स्क्वायर को 2am स्क्वायर ही रहने दिया ठीक है, एंड mb को जैसे हमने mb को एक्सपेंड करा था, इन्होंने भी mb को क्या लिया है
बी डी माइनस डीएम लिया है, ठीक है, उन्होंने बी डी माइनस डीएम लिया है और एम डी माइनस एम डी प्लस डी सी एम सी को लिया है, ठीक है, ये चीज हमने भी करी थी, है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हमारे भी यही था कि हमने एम सी और इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, एक्सपैंड करा है, हमने रिप्लेस कर दिया ए एम और एम सी को, इन्होंने एम सी ए एम को रिप्लेस कर दिया, इन्होंने इन दोनों को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, जस्ट दी अपोजिट थिंग। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या करा, टू ए एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको एक्सपैंड करा तो बी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर माइनस टू बी डी इंटू डी एम, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस टू एम डी इंटू डी सी, ठीक है, ये करा। अच्छा, आप जो कॉमन चीजें उन्हें कॉमन ले आते हैं, कॉमन है कुछ, इक्वल्स टू टू एम डी टू एम डी स्क्वायर, टू एम डी स्क्वायर है, अच्छा टू एम डी का है, हाँ डी एम और एम डी, ठीक है, तो टू ए एम स्क्वायर प्लस टू, सर ए एम और एम डी टू ए डी बना देंगे, ए एम और एम डी टू ए डी बना देंगे, हाँ हाँ ए डी पे आएंगे, ठीक है, वही कह रहा हूँ कि बेसिकली हमने पहले ए डी बना दिया, उन्होंने लंबे मेथड से ए डी बनाया, बट एनी वेज तो टू एम, उसके बाद प्लस क्या बचा, बी डी प्लस, सर बी डी और डी सी, बी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर माइनस बी सी तो चाहिए ही नहीं ना, बेसिकली बी सी कहाँ गया, बी डी डी सी, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस क्या है, दो टू बी डी इंटू डी एम प्लस टू एम डी इंटू डी सी। अच्छा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टू कॉमन ले लो तो ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर एम डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बनाएंगे, तो टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर, बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, है ना, और ये डी सी भी क्या है, हाफ ऑफ बी सी, है ना, ठीक है, उसके बाद माइनस टू इंटू बी डी, क्या कॉमन क्या आएगा, यहाँ से एम डी कॉमन आ जाएगा ना, एम डी, सो बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस डी सी है ना, हाँ, अब बी डी और डी सी इक्वल है, बी डी डी सी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये वाली टर्म इलिमिनेट हो गई, तो बचा क्या एंड में, इज इक्वल टू टू इंटू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ वन बाय फोर बी सी स्क्वायर प्लस वन बाय फोर बी सी स्क्वायर, ठीक है, वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज टू बाय फोर और वन बाय टू, वन बाय टू बी सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है सबको, yes, sir. समझ नहीं आया, देखो करा क्या है ना उन्होंने, दिस इज समथिंग वी विल हैव टू इवेंचुअली लर्न, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लॉजिक नहीं एल्जेब्रिकली सॉल्व करा है, बेसिकली इन्होंने इन दोनों को एम बी और एम सी को रिप्लेस कर दिया, एम बी, हाँ एम बी, देखो अब यहाँ पे एम बी, सिर्फ ये नीचे वाली लाइन बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी मेन लाइन इसी का काम है, सो यहाँ पे एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट डी है एंड एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एम बी चाहिए मुझे, ठीक है, एम बी को उन्होंने बी डी की फॉर्म, बी डी और डी सी की फॉर्म में करा है, ठीक है, मतलब जो दो पार्ट इक्वल है उसकी फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं, सो अगर एम बी को मैं लिखूं, ठीक है, एम बी निकालने के लिए मुझे इस पूरे में से एम डी माइनस करना पड़ेगा, सो बी डी माइनस एम डी, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, सिमिलरली एम सी निकालने के लिए, मतलब मुझे अब क्या निकालना है, अब मुझे एम सी निकालना है, एम सी निकालने के लिए मैंने क्या करा, डी सी प्लस एम डी कर दिया, ठीक है, तो डी सी प्लस एम डी, है ना, अब इन दोनों को बेसिकली आगे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद कॉमन लिया तो ए एम स्क्वायर और एम डी स्क्वायर बना दिए ए डी स्क्वायर, एंड देन बी डी और डी सी तो ऑलरेडी इक्वल थे, बी सी बाय टू बी सी बाय टू थे वो, तो उन दोनों की जगह मैंने वैल्यूज डाल दी, क्या वो बता दूंगा मैं एक बार, मतलब एक्स वाई जेड करके एक्स वाई लेके उससे कर लेंगे, सेम होगा ना, तो देखेगा पता है डिफरेंस क्या आता है, जब मैं इसको अगर जैसे मैं इसको एक्स और इसको वाई बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ना जैसे इस स्टेप के बाद आपको पता है कि बी डी और डी सी इक्वल है, बट दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं एल्जेब्रिकली करूंगा ना तो ये स्टेप पता है कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये बेनिफिट होता है एल्जेब्रिकली क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने का, ठीक है, दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, वाई पीपल आई डोंट नो वाई, इट्स मच मोर सिंपलर, बट या यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम एवरीथिंग टू बी ए बी सी डी एंड डू, बट समझने के लिए एक बार कर सकते, वरना ऐसे ही करना, लिख लो,
समझ आया सबको?